नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा वर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। रुक करते हैं इस वक्त की अहम खबरों का। मोदी सरकार में बड़े बदलाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। मोदी कैबिनेट का विस्तार बड़े पैमाने पर है और सूत्रों के मुताबिक अब तक 20 से ज्यादा नए चेहरे मंत्रिपरिषद में शामिल हो सकते हैं। मंत्रिपरिषद का ये विस्तार कई अहम संकेत देने वाला है। पहला तो सरकार के कामकाज को और चुस्त करने की चुनौती है, तो दूसरा चुनावी गणित और गठबंधन के साथियों को मौका देना है, तो वहीं तीसरा पार्टी और सरकार के लिए निष्ठा दिखाने वाले चेहरों को पुरस्कार देना है। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंत्रिपरिषद में व्यापक बदलाव से 2024 की चुनावी रणनीति अभी से तय करने में जुट गए हैं? क्या विस्तार में यूपी जैसे चुनावी राज्यों को खास तवज्जो मिलेगी? क्या बड़े बदलावों के बाद नए तेवर वाली सरकार होगी? केंद्रीय कैबिनेट में बड़े बदलाव हो रहे हैं। इस बीच दिल्ली में सियासी हलचल जारी है। मंत्रिमंडल में नए नामों के जुड़ने से पहले कुछ पुराने नामों को विदाई दी जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन पर भी गाज गिर गई है। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। कोरोना काल में जिस तरह मोदी सरकार पर सवाल खड़े हुए थे, उस दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय निशाने पर आया था। रमेश पोखरियाल के अलावा संतोष गंगवार, देवोश्री चौधरी, सदानंद गौड़ा की कैबिनेट से छुट्टी हो गई है। इनसे पहले थावरचंद गहलोत को राज्यपाल बना दिया गया है। ऐसे में वो भी कैबिनेट से बाहर हो गए हैं। केंद्रीय कैबिनेट से शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने भी इस्तीफा दे दिया है। मोदी कैबिनेट में मेगा विस्तार की तैयारी शुरू हो चुकी है और खबर है कि 43 मंत्री आज शाम 6 बजे शपथ ले रहे हैं। नारायण राणे, सर्वानंद सोनोवाल, अनुप्रिया पटेल, पशुपति पारस का नाम तय हो चुका है। रमेश पोखरियाल निशंक, संतोष गंगवार, सदानंद गौड़ा की कैबिनेट से छुट्टी कर दी गई है। अनुराग ठाकुर, आरके सिंह को प्रमोशन मिल सकता है। जी कृष्णानंद रेड्डी का भी प्रमोशन हो सकता है। तो वहीं जेडीयू कोटे से 4 चेहरों को कैबिनेट में जगह मिलने की भी संभावना है। मोदी कैबिनेट अब तक कुल मिलाकर 6 मंत्रियों की छुट्टी हो गई है। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर है कि कैबिनेट विस्तार से पहले 11 मंत्रियों का इस्तीफा हो चुका है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, संतोष गंगवार, सदानंद गौड़ा, रमेश पोखरियाल निशंक, देवोश्री चौधरी ने इस्तीफा दे दिया है। तो वहीं राज्य मंत्री संजय धोत्रे, राव साहेब दानवे, रतन लाल कटारिया और बाबुल सुप्रियो अश्विनी चौबे ने भी इस्तीफा दे दिया है। बंगाल से अब तक 2 मंत्रियों का इस्तीफा हुआ है। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने भी इस्तीफा दे दिया है। तो वहीं देवोश्री चौधरी ने भी इस्तीफा दे दिया है। मोदी की एक नई कैबिनेट में जिन लोगों का प्रमोशन हो सकता है उनमें अनुराग ठाकुर, जी किशन रेड्डी, पुरुषोत्तम रूपाला, हरदीप सिंह पुरी, आर के सिंह, मनसुख मांडविया का नाम सामने आया है। इन सभी के प्रमोशन की मुख्य वजह अगले साल अलग अलग राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, गोवा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। और सबसे पहले हरदीप सिंह पुरी की बात करते हैं। फिलहाल उन पर 3 मंत्रालय का भार था, जिनमें नागरिक उड्डयन मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, कॉमर्स मिनिस्ट्री का प्रभार था। वह सिख है और माना जा रहा है कि उनका प्रमोशन पंजाब विधानसभा चुनाव को देखते हुए होगा। दूसरा नाम अनुराग ठाकुर का है, वह फिलहाल वित्त मंत्री हैं। माना जा रहा है कि उनका प्रमोशन हिमाचल प्रदेश में चुनाव को देखते हुए किया गया है, वह हिमाचल से आते हैं। साथ ही साथ वह प्रेम कुमार धूमल के बेटे हैं, जो कि हिमाचल में 3 बार CM रह चुके हैं। इसके अलावा मनसुख मांडविया, पुरुषोत्तम रूपाला के प्रमोशन की भी चर्चाएं तेज हैं। दोनों पटेल समुदाय से आते हैं, दोनों लेवा पटेल समाज से हैं। इनको भी स्वतंत्र प्रभार या कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। इसके साथ साथ आर के सिंह, जो कि ऊर्जा मंत्रालय में स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हैं, उनको भी कैबिनेट का दर्जा मिल सकता है। तो आज शाम 6 बजे 46 मंत्रियों को कैबिनेट में दर्जा दिया जा सकता है।